विश्वेशलिंग संभूतम् विश्वविद्या विबोधकम् विश्ववंद्यम सदा वंदे विश्वाराध्यम जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए पवित्र काशी महापीठ में आज के शुभ अवसर पर ज्योतिष शास्त्र के प्रवचन माला का एक उद्घाटन समारंभ में ज्योतिष शास्त्र के बारे में अपने मौलिक विचार व्यक्त किए हुए शमशाबाद के ज्योतिष विद्वान पंडित गणेश कुमार शास्त्री जी उनके तेलुगु में बताए गए विचारों को संक्षेप में हिंदी में अनुवाद करके बताए गए काशी जगद्गुरु विश्वाराध्य गुरुकुल के वैदिक प्राचार्य पंडित मल्लिकार्जुन शास्त्री जी, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, यात्रा के निमित्त आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, जगद्गुरु विश्वाराध्य गुरुकुल के तरफ से समाज उपयोगी विविध उपक्रम यहाँ प्रारंभ होते जा रहे हैं। इस गुरुकुल के द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से संस्कृत भाषा का प्रशिक्षण चालू है। साथ ही साथ सस्वर रुद्र पठन का क्लास मल्लिकार्जुन शास्त्री के द्वारा प्रारंभ हुआ, 2-3 महीना तक चला, कम से कम 100-150 लोगों ने उसमें भाग लिया और अच्छे ढंग से अध्ययन भी किया। उसके बाद दूसरा सत्र प्रारंभ हुआ है, बारसी दहीवड़कर मठ के वेद विद्वान गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य स्वामी जी, उनका भी अंतरजाल के माध्यम से वेद प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है। उसमें भी 100-150 विद्यार्थी विद्यार्थिनी भाग लेकर के सीख रहे हैं। कुछ दिन पहले गणेश शास्त्री जी यात्रा के निमित्त काशी आए थे, उनका परिचय हुआ। ज्योतिष शास्त्र में उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, गुरु सेवा करके अध्ययन किया है,
ज्योतिष शास्त्र जो है केवल अध्ययन करने से नहीं चलता, उसके लिए किसी एक आराध्य के प्रति अत्यंत भक्ति की आराधना की जरूरत होती है। और शास्त्रों में कहा गया है वही ज्योतिषी इस लोक में सफल होगा जिसके मन में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होना चाहिए, मन में मात्सर्य गुण नहीं होना चाहिए, किसी भी कारण झूठ नहीं बोलना चाहिए और साथ ही साथ एक इष्ट मान करके बहुत ही निष्ठा से उसकी आराधना करते रहनी चाहिए। इतनी सद्गुणों के साथ यदि ज्योतिष शास्त्र का कोई व्यक्ति अध्ययन करता है तो उनकी बातें सच हो जाती है, लोगों के प्रति मन में ज्योतिष शास्त्र के प्रति विश्वास हो जाता है। शास्त्र तो सत्य ही है। शास्त्र दो प्रकार के होते हैं, एक श्रुति सम्मत शास्त्र, दूसरा स्मृति सम्मत शास्त्र। जो श्रुति का अर्थ होता है वेदों के द्वारा सम्मत जो शास्त्र होगा तो श्रुति सम्मत शास्त्र बोलते हैं, और श्रुति के अनुकरण करने वाले जो स्मृति होते हैं उनके सम्मत शास्त्रों को स्मृति सम्मत शास्त्र कहते हैं। जो ज्योतिष शास्त्र है वो श्रुति सम्मत शास्त्र है। अभी गणेश शास्त्री जी बता रहे थे वेद के जो छह अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंदस, निरुक्ति, ज्योतिष। ज्योतिष वेद का एक अंग है और ज्योतिष को लोचन शास्त्र माना जाता है। जैसे उत्तम दृष्टि वाला व्यक्ति जब प्रस्थान करता है या मार्ग क्रमण करता है तो कहीं गिरता नहीं, गलत रास्ते पर जाता नहीं, क्योंकि सामने के रास्ता उनको दिखाई देते रहते हैं। लेकिन एकाधा अंधा व्यक्ति किसी की सहायता के बिना यदि मार्ग क्रमण करता है तो बार बार उसको गिरना पड़ता है। इसलिए आदमी को अपने जीवन के रास्ता में आगे आने वाले अनेक प्रकार के कर्मानुसार जो घटनाएं घटने वाली होती हैं उसके प्रति पहले से जानकार रहने से आदमी सजग रह सकता है। इसलिए ज्योतिष जो है ये लोचन शास्त्र है। इस ज्योतिष शास्त्र में मुख्य रूप से तीन तत्व मुख्य रूप से माने जाते हैं। एक होता है इसमें नक्षत्रों की जानकारी होनी चाहिए, 27 जो नक्षत्र है इनकी जानकारी उनको होनी चाहिए, साथ ही साथ 12 राशि है, 12 राशियों के बारे में उसको जानना चाहिए। और इन 12 राशियों में विचरण करने वाले 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों के बारे में उनको जानना चाहिए। हमारे भारतीय संस्कृति में प्रत्येक काम के लिए मुहूर्त देखा जाता है,
घर में संतान की उत्पत्ति होती है तो उसमें ज्योतिष देखते हैं किस मुहूर्त में इसका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद जो दशकर्म पद्धति जो करते हैं उसको किस मुहूर्त में करना चाहिए, उसके लिए हमको पंचांग के पास जाना पड़ता है। अन्नप्राशन है, विद्यारंभ है, चौल कर्म है, दीक्षा है, विवाह है, और अंत में अंत्येष्टि वगैरह जो होते, सभी कर्मों को करने के लिए शुभ मुहूर्त की जरूरत होती है। इसके अलावा गृहारंभ करना है या स्थावर जंगम आस्ति को खरीद करना है, जो भी कार्य हम लौकिक करते उसके लिए मुहूर्त की जरूरत होती है। लेकिन आध्यात्मिक साधना के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, उसको मुहूर्त दे करके नहीं, जब मिलेगा तब उसको लेना पड़ता है। आध्यात्म जो है उच्च कोटि का जीवन की शैली मानी जाती है। सामान्य रूप से लौकिक जीवन बिताने वालों के लिए उनको पंचांग शुद्धि, मुहूर्त ये सब आवश्यकता होती है। इन सभी बातों को हर एक आदमी नहीं जान सकता। एक एक शास्त्र पढ़ने के लिए कम से कम 12 साल तक परिश्रम करना पड़ता है, तभी एक व्यक्ति एक शास्त्र में परिणति प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमारे देश के विद्वानों ने अलग अलग विषय चुन करके एक एक विषय में एक एक विद्वान होते हैं। इसलिए हर एक आदमी को एक दूसरे से सहकार अवश्य मिलना चाहिए। अभी मल्लिकार्जुन शास्त्री जी वेद पंडित हैं, उनको ज्योतिष नहीं आता है तो उनको ज्योतिषी के सहकार लेना पड़ता है। यदि कोई ज्योतिषी है वेद नहीं पढ़ता तो इनकी सहायता उनको लेनी पड़ती है। इन दोनों को भक्ति करना है तो गुरु के पास दोनों को जाना पड़ता है। यदि आत्मज्ञान पाना होगा तो अध्यात्म गुरु के पास सबको जाना पड़ता है। इस प्रकार लौकिक अलौकिक जीवन में आने वाले सभी घटनाओं के लिए एक दूसरे की सहायता हमको अवश्य होती है। तो हम लोगों ने सोचा हमारे देश के जितने भी लोग हैं सबको ज्योतिष के प्रति अत्यंत प्रेम रहता है। हर एक आदमी प्रातः काल में जब अखबार अपने हाथ में आता है, देश विदेश के वार्ता तो नहीं जो देखता है, पहले अपना भविष्य क्या है उसको देखता है। आज मेरा भविष्य क्या है, राशि में क्या लिखा है, अर्थात सभी के लिए अत्यंत प्रिय विषय जो है ज्योतिष होने के कारण बहुत से लोगों को सही मार्गदर्शन करने वाले नहीं मिलते। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का जो जानकार होता है उसको लोभी नहीं होना चाहिए। पैसा देने पर भी उतना ही बताना चाहिए, नहीं देने पर भी उतना ही बताना चाहिए। लेकिन पूछने वालों को भी बिना गुरुदक्षिणा दे उनसे प्रश्न नहीं भी पूछना चाहिए, क्योंकि उनका भी चलना चाहिए। लेकिन हमारे गणेश कुमार शास्त्री जी अत्यंत निष्प्रभ व्यक्ति है, उनको किसी प्रकार का लालच भावना नहीं है। इसलिए एक महीना तक हम लोग ज्योतिष शास्त्र के बारे में एक सामान्य जानकारी वो आप लोगों को देंगे। इस बीच में
उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको हमारे फेसबुक में दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए मुहूर्त पूछना होगा तो उनसे आप पूछ सकते हैं फोन पर, या तो आपके घर की कोई समस्या होगी, बच्चों के अभ्यास के प्रति कोई समस्या हो सकती है, विवाह की समस्या हो सकती है, व्यापार उद्योग की समस्या हो सकती है, जो भी आपके पास समस्या है उसको समाधान करने के लिए शास्त्री जी हमेशा उपलब्ध रहते हैं। वो अभी हिंदी थोड़ा थोड़ा जानते हैं, फिर भी आपका जो प्रश्नोत्तर होगा उसको देने के लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। वैसे तो उनको सहायता चाहिए तो मल्लिकार्जुन शास्त्री उनको सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार ये लोकोपयोगी विद्या के कारण इसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को ज्योतिष शास्त्र यदि सीखना है, हमारे दो तीन गुरुकुल है, श्याद नगर में गुरुकुल के विद्यार्थियों को ज्योतिष हमको सिखाना है, बिश्नोई गुरुकुल के विद्यार्थियों को ज्योतिष सिखाना है, गदक पाठशाला के विद्यार्थियों को ज्योतिष हमको सिखाना है, काशी के विद्यार्थियों को ज्योतिष सिखाना है, इसके अलावा किसी भी प्रांत का किसी भी देश का यदि व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र सीखना चाहेंगे तो ऑनलाइन के माध्यम से उसकी व्यवस्था हम लोग आगे करने वाले हैं। आप उसको लाभ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनेक समस्याएं होती है, उन समस्याओं को ज्योतिष शास्त्र 12 भागों में बांटा है। मनुष्य के सभी समस्या 12 भागों में बांट के रखा है। पहली समस्या होती है अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, शरीर संबंधी कुछ विषयों के बारे में उसके मन में कुछ प्रश्न होता है तो आपकी जो जन्म कुंडली होती है उसमें जो पहला स्थान होता है तनु स्थान, उसमें कौन सा ग्रह बैठा है, क्या मित्र क्षेत्र है या शत्रु क्षेत्र है, कैसे उसको देख करके आपके स्थूल शरीर के बारे में जो कुछ भी प्रश्न होंगे उसको तनु स्थान से देखा जाता है। उसके बाद दूसरा स्थान होता है धन स्थान, आपको धन प्राप्ति किस ढंग से होती है, इसके अलावा आपके वाणी के संबंध में भी उसी स्थान के द्वारा विचार किया जाता है। तीसरा सहज स्थान अर्थात भाई बहन कितने होते हैं, भाई बहनों के साथ संबंध कैसा होता है, और यह व्यक्ति अपने जीवन में क्या पराक्रम कर सकता है, एक अलौकिक साधना जो करना चाहेगा उसको देखना होगा, जो तीसरा स्थान होगा उससे उसको देखा जाता सहज स्थान से। चौथा स्थान होता है मातृस्थान, माता के संबंध में और उनके जीवन में सुख संबंध में और उनके हृदय संबंधी कोई रोग होगा तो उसको देखने के लिए चतुर्थ स्थान से देखा जाता है ग्रहों के आधार पर।
उसका जो जो पांचवा स्थान होता है उसके बाद वो विद्या, उनके संतान और उनके पूर्व जन्म में क्या क्या पुण्य संपादन किया है, वो जग जो है पांचवा स्थान से उसको देखा जाता है। उसके बाद जो छठा स्थान आता है उसके इनके विरोध करने वाले कौन है, इनके शत्रु कौन है, कैसे शत्रुता इनके साथ होती है और उनको किस प्रकार के रोग होने वाले हैं, रोग हो तो क्या करना चाहिए, ये सारी बातें आपके कुंडली के जन्म कुंडली के छठा स्थान से विचार किया जाता है। ये आपके लग्न से एक दो तीन ऐसे उसको माना जाता है। उसके बाद जो सातवां स्थान है वो जीवन साथी के संबंध में सातवां स्थान को देखा जाता है। पति के लिए पत्नी का संबंध, पत्नी के लिए पति का, और परस्पर व्यापार उद्योग के बारे में भी सातवां स्थान से विचार किया जाता है। आठवां स्थान जो होता है मृत्यु स्थान माना जाता है। इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे होती है, सहज मृत्यु है या कोई अपघात के द्वारा मृत्यु होती है या किसी रोग के द्वारा मृत्यु होती है, सारी बातें जीवन में कितने प्रकार के कष्ट आएंगे ये आठवां स्थान से इसको देखा जाता है। मनुष्य के भाग्य के बारे में कि कितना भाग्यशाली है इसको नौवां स्थान से देखा जाता है। इसी में उनके पिता के संबंध में सारी बातें उसी के साथ जाना जाता है और ये व्यक्ति कितना धर्मिष्ठ है, कितना धर्म संपादन करेगा, अपने जीवन में कितना प्रवास कर सकता है, ये सारी बातें नौवें स्थान से मालूम होता है। उसके बाद जो दसवां स्थान होता है उसका उद्योग, कैसा उद्योग करेगा, किस प्रकार का उद्योग करेगा, ये दसवां स्थान से मालूम होता है। और ग्यारहवां जो स्थान है वो लाभ स्थान मानते हैं। इसको अनेक प्रकार के जो लाभ होगा उसके सोर्स क्या होते हैं, ये सारी बातें ग्यारहवां स्थान से होता है। और बारहवां स्थान जो है व्यय स्थान है, इसको पैसा कैसे खर्च होता है, उस स्थान में अच्छा ग्रह बैठा होगा तो इनके पैसे अच्छे काम में खर्च होता है, यदि व्यय स्थान में खराब घर बैठे होंगे तो दुर्मार्ग से इसका पैसा खर्च होता है। ये सारी बातें हमारे ज्योतिष शास्त्र के बड़े बड़े ऋषि महर्षि अध्ययन करके इस शास्त्र को खोज निकाला है। वैसे तो तंत्र ज्ञान का इतना विकसित हुआ है, बहुत से लोग YouTube के माध्यम से इसको सिखाते भी हैं, बहुत से बातें इससे जानकारी होती है, लेकिन एक व्यक्ति के सामने बैठ करके सुनना और दूसरे माध्यम से सुनने में बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए हमारे पंडित गणेश कुमार शास्त्री जी एक अत्यंत भगवत भक्त है, उपासक है और गुरु सेवा करके उन्होंने विद्या अध्ययन किया है और जो भी बताते उसमें शत प्रतिशत उसका सत्य हो जाता है। इसलिए उनके ज्ञान का प्रयोजन समाज के सभी लोगों को मिलना चाहिए, इस उद्देश्य से आज
ज्योतिष व्याख्यान माला का उद्घाटन हम लोगों ने दीप प्रज्वल करके किया है। ज्योतिष शास्त्र एक ज्योति है, जिसके हाथ में ज्योति है तो वो उनका जीवन अच्छे ढंग से चल सकता है। इसलिए गणेश कुमार शास्त्री जी को हम अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप निस्वार्थ भाव से, श्रद्धा से हमारे भक्तों को, विद्यार्थियों को अपने विद्यान दान कीजिए। इससे आपकी तपश्चर्या और बढ़ेगी, आपके जीवन में उत्कृष्ट कल्याण परंपरा मिलेगा। ऐसे उनको मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही साथ कुछ ही दिनों में एक तीसरा वैदिक क्लास प्रारंभ होने जा रहा है। वेद पंडित मल्लिकार्जुन शास्त्री के द्वारा वो क्लास प्रारंभ होने जा रहा है। इसलिए जिनको भी श्री रुद्र सस्वर सीख करके अपने तरफ से अपने इष्ट देव की पूजा करना चाहते वो लोग हमारे पुणे ऑफिस से सौभाग्यवती श्रद्धा सुभाष चौक वाले से संपर्क करके अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। जल्द ही क्लास प्रारंभ होगा। आज के उद्घाटन सत्र में भाग लिए हुए समस्त सद्भक्तों को, हमारे सभी विद्यार्थियों को और इस जूम के द्वारा कार्यक्रम शुभारंभ किए हुए सुभाष चौक वाले जी को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति।